और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, आप फिलहाल हमारे साथ बने रही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वोट डाला और आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण खबर, इससे पहले आपको जानकारी दी कि कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट डाला और अब इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वोट डाल दिया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट, कुलदीप बिश्नोई ने वोट डाला, ज्ञानचंद गुप्ता ने भी वोट डाला और उसके बाद अब आपको जानकारी दे रहे हैं हम कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वोट डाल दिया है। कविता सैनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कविता, अपडेट फिलहाल ये इस वक्त का बड़ा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वोट डाल दिया। कविता, चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, हरियाणा विधानसभा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शशि रंजन जी, अब इस वक्त की फिलहाल बड़ी खबर कि सीएम मनोहर लाल ने भी वोट डाल दिया। महिमा, उससे बड़ी खबर ये है कि सोर्सेज के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई की आज देर शाम राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी तब जब वो वोट दे करके अभी निकले हैं। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इसे ब्रेक भी करना चाहिए। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है कि कुलदीप बिश्नोई की आज मुलाकात आज शाम राहुल गांधी से संभव है। और अगर ये खबर सही है, सोर्सेस के हवाले से ये खबर सही है, तो फिर ये समझ जाइए कि कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा ने क्या आवाज दी होगी। संभावना ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट किया होगा। संभावना, मैं बार बार कह रहा हूं, संभावना वर्ड यूज कर रहा हूं, संभावना यह है कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट किया होगा।